हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सीमा खन्ना। जैसा कि आप मेरे लास्ट इंडक्शन वीडियो को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडक्शन को सही तरीके से कैसे यूज करें, मैंने इस पे वीडियो बनाया था 3 महीने पहले और उस पे भर भर कर आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए, इसी में से एक रिक्वेस्ट आया था कि इंडक्शन पर हम रोटी कैसे बनाएं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडक्शन पर कैसे आराम से फूली फूली रोटियां बना सकते हैं। तो देखिये, सबसे पहले करना क्या है आपको, इंडक्शन में रोटी बनाने के लिए आपको कोई भी तवा जो होता है ना, नीचे से देखिए इस तरीके का होता है, नीचे से ऐसा डॉटेड होता है, ये तवा है, ये डोसा तवा है और रोटी भी इसमें बन सकता है, पराठा भी बन सकता है। तो ये देखिए इस तरीके का बर्तन होता है जो वो ही इंडक्शन को सपोर्ट करता है। तो आप कभी भी जब भी तवा यूज करें तो इस तरीके का तवा आप यूज करें। नीचे से देखिए इस तरीके से है, डॉट डॉट सा है ना, तो ये फ्लैट भी है और इसको ये कैच करता है यहाँ पे रखने से, तो आपको ये तवा ही यूज करना है। तो चलिए इस तवा को हम रखते हैं यहाँ पे और उसके बाद अब हम इंडक्शन को ऑन कर देते हैं। तो देखिए इंडक्शन मेरा ऑन हो गया है और इसे ऑन करने के बाद इसे फंक्शन सेट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मेरा जो है प्रेशर कुकर पे ही रहता है, मैंने हमेशा आपको बताया है, मैं जब भी मैं बनाती हूँ डोसा चपाती, आप चाहो तो डोसा चपाती भी सेट कर सकते हो, पर अभी मुझे फिलहाल इसका है ना टेम्परेचर जो है फुल कर लेना है। 1800 का है मेरा, तो 1800 मैक्सिमम टेम्परेचर जो है मैं 1800 पे सेट कर ली हूँ ताकि तवा जो है अच्छे से गर्म हो जाए। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट आप दूसरे फंक्शन में अगर सेट कर दोगे तो उसमें टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, तो इसलिए मैं मोस्टली इसी पे ही सेट कर कर बनाती हूँ। तो टेम्परेचर अभी हमने 1800 कर दिया है और तवे को अच्छे से हीट होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जब तक वो इंडक्शन पे गर्म हो रहा है तब तक से हमने एक रोटी बना ली है और चलिए इंडक्शन अभी एक मिनट भी नहीं, मुश्किल से है ना 30-40 सेकंड में आपका जो तवा है गर्म हो जाता है। तो चलिए अब रोटी को डालते हैं तवे पे। तवा जो है गर्म हो चुका है, अब हम रोटी को डाल देते हैं इसमें और रोटी को थोड़ा सा हीट, देखिए हीट हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब कि हमारी रोटी पक रही है। ये देखिए रोटी को घुमाते जाना है जैसे कि आप नॉर्मल तवे में करते हो, आप बस इस तरीके से रोटी को आप घुमाते जाएं। हमारी रोटी जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ वीडियो को, कोई एडिट नहीं करूंगी, बीच में कोई स्टॉप नहीं कर रही हूँ, जो भी है आपके सामने कर कर दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए रोटी जो है एक साइड से पक गई है, ये देखिए रोटी बनने में 1 से 1.5 मिनट अगर लगता है तो उतना ही टाइम लूंगी मैं। ये देखिए अब इसे मैं पलट लेती हूँ, ये देखिए यहाँ से एक साइड से रोटी पक गई है। आप चाहे तो कपड़े के हेल्प से आप रोटी को घुमा सकते हो, ऐसे गर्म हो रही है, तो ये देखो रोटी हमारी जो है फूलने लगी, ये देखो जी। ये देखिए रोटी फूल रही है, तो फ्रेंड्स ये देखिए रोटी तो हो गई है रेडी, बट मैं रोटी कैसे बनाए वो सिखाने के साथ साथ ऑनेस्ट रिव्यू करना चाहूँगी। इंडक्शन पे जो रोटी बनती है और जो गैस पे, गैस चूल्हे पे जो रोटी बनती है उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए इंडक्शन की जो रोटियाँ होती हैं ना, भले वो फूलती हैं बनती है, बट वो उसमें सॉफ्टनेस नहीं होता है रोटियों में, वो स्वाद नहीं होता है जो गैस पे बनती है। गैस की फूली हुई रोटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, बट ये है कि आप हाँ खाने लायक हो जाता है, बट आप, मैं एग्री नहीं करूँगी कि आप इंडक्शन पे अगर आप डेली खाना बना रहे हो तो रोटियाँ आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। रोटी का वो फ्लेवर आप मिस करोगे जो आप गैस चूल्हे पे रोटियाँ, सिकी हुई रोटी खाते हो, उसका
जो टेस्ट है और इसका टेस्ट है उसमें फ़र्क है, उसमें सॉफ्टनेस होता है, इसमें नहीं है उतना सॉफ्ट, इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती है। तो ऑनेस्ट रिव्यू कहूँ तो इंडक्शन पे मुझे रोटी पसंद नहीं आई है। बाकी आप अपना रिव्यू मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना।